Good morning, dear students. In our last class, we studied application of integrals, and with the help of integrals, you could find the area of a circle, area of ellipse, area under parabola. Just now, I observed the syllabus and found that area under two curves topic has been deleted. So we are finishing this chapter with the help of my last two examples, which are very important and are being asked in CBSC examinations many times. Area of triangle, there we will be using only single simple curve. So first question, let us see. Question number one, find the area of the triangular region whose vertices are -1, 0, 5 and 3, 2. This question was asked in CBSC 2008. ध्यान रहे, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इज टू बी फाउंड यूजिंग इंटीग्रल्स. द वर्टाइसेस आर -1, 0, 5 and 3, 2. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द फिगर. No measurement is required, just you need to draw a rough and neat and clean figure specifying the situation. -1, 1 will be a point here, call it A -1, 1. 0, 5, 2, 3, 4, 5, so this is the point B, 0, 5, and 3, 2, 1, 2, 3, 2 will be a point here, C, 3, 2. This line is x is equal to 3, this line is x is equal to -1, and the middle line will be x is equal to 0. So we have to find this area, area of this triangle, and area of this triangle will be what? Let us see. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, कौन सा पोर्शन ध्यान से देखेंगे, दिस शेडेड पोर्शन. इस शेडेड पोर्शन में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही लाइन आ रही है, कौन सी, ए बी. तो ए बी में वाई की वैल्यू क्या होगी वो हमको पता करना होगा. इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन में को थोड़ा डिफरेंटली सेव कर देते हैं. इस पोर्शन में भी एक ही लाइन आ रही है,
कौन सी लाइन? बी सी। तो ए बी के अंदर का एरिया निकालेंगे तो इधर वाला शेडेड पोर्शन मिलेगा, बी सी के अंदर एरिया निकालेंगे तो राइट हैंड साइड का शेडेड पोर्शन मिलेगा। उसमें से ये जो तीसरी लाइन है ए सी, ए सी के नीचे का जो एरिया है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट प्लानिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अब आफ्टर ड्राइंग द फिगर एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमने जो फार्मूला यूज किया है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का फार्मूला यूज किया बच्चों, और ये आप लोग क्लास 11th से जानते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। दिस इंप्लाइज y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ फोर हो जाएगा और ये x प्लस वन होगा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर और ये माइनस वन उधर जाएगा तो फाइव। तो ये जो पहली लाइन है इसके लिए हमको y मिल गया, y बराबर फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी सेम फैशन में, y माइनस बी और सी ये दो पॉइंट लेना है। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इंप्लाइज y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 इंटू x। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस x। ये दूसरी लाइन के लिए हमको y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 5 माइनस x। और अब बचा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ए और सी पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस y1 इज 1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1 तो माइनस 1 के कारण प्लस 1 हो जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 x प्लस 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 बाई 4 x प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 यानी 5 बाई 4, दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई 4 x प्लस 5। ये जो तीसरी लाइन है इसके लिए भी y की वैल्यू मिल गई 1 बाई 4 x प्लस 5। ये पूरा मैनुअल वर्क है, आपको ध्यान रखना है। तीनों इक्वेशंस जब हमारी बन जाएं तब हम एरिया कैसे निकालेंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। आई होप सॉल्यूशन इज क्वाइट विजिबल। आल्सो यू आर सजेस्टेड टू कीप योर नोटबुक एंड पेन इन योर हैंड्स सो दैट साइमल्टेनियसली यू कैन राइट। अब देखो, एरिया अंडर ए बी निकालूंगा, एरिया अंडर बी सी निकालेंगे और उसमें से एरिया अंडर ए सी को माइनस कर देंगे तो ट्राइंगुलर रीजन का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर ए बी वो होगा एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके कहाँ, यहाँ वाई वाली वाई एक्सिस पे जीरो पे खत्म हो रही है और ये होगा y dx मतलब 4x plus 5 dx plus area under BC की बात करेंगे तो BC देखो x बराबर 0 से शुरू होके x बराबर 3 पे खत्म होगा तो 0 to 3, यहाँ y की वैल्यू 5 minus x है dx और माइनस करना है, यहाँ एरिया अंडर AC को माइनस 1 से 3 तक चलेगा, ये माइनस 1 टू 3 और वहाँ 1 बाई 4 एक्स प्लस 5। ये जिस बच्चे का
फार्मूलेशन सही हो गया उसको पूरे 6 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, 4x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x और ये लिमिट है -1 से 0, फिर 5 का 5x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3 -1/4 बाहर कर लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x ये होगा -1 से। इस इंटीग्रल को आपको इवेलुएट करना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 0 और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू इज 0 माइनस -1 रखेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो वो आएगा 2 into -1 स्क्वायर प्लस 5 into -1 is -5 प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 5 3 15 -9/2 और 0 रखेंगे तो पूरा 0 होगा, -1/4 इज मल्टीप्लायर 3 9/2 प्लस 5 3 15 -1 रखेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस में वैल्यू रखेंगे और 5 into -1 तो -5 प्लस 5। तो ये हमारा इवेल्युएशन हो गया, तो दिस इज नाउ इक्वल टू -3 सो +3 +15 -9/2 -9/8 15 और 5 -1/2 को ले लेते हैं तो +1/8 +20/4 -1/4 into 20 यानी -5 15 और 3 18 में से 5 गए 13 और इसको फ्रैक्शन पार्ट को ऐड कर लीजिए, -9/2 और ये 9/8 -+1/8 -8/8 यानी -1 होगा, तो ये हो गया 12 -9/2 24 -9/2 दैट इज 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूलें। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आई होप द सॉल्यूशन इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो ये पहला एस्पेक्ट है बच्चों, 3-4 ऐसे सवाल करके देख लेना है जिसमें आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप ऐसा चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन को हमेशा वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में रखें क्योंकि हमको वाई की वैल्यू ही यूज करना है, और ये करने के बाद आप ये जो एरिया वाला हमने फार्मूलेशन किया था कि किसका किसका एरिया ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये सही हो गया। तो जो कैलकुलेशन है वो चूँकि लीनियर फंक्शन होंगे इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी। एक और प्रॉब्लम जो अभी आजकल बहुत पॉपुलर है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, CBSE 2009 और 11 में पूछा गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो तीन लाइन दी है, तीन लाइन एक दूसरे को काटेंगे तो डेफिनेटली ट्राइंगल ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है। यहाँ ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको निकालना है, सो लेट अस सी। गिवन
equations of lines are 2x plus y equal to 4, number 1, 3x minus 2y equal to 6, number 2, और x minus 3y plus 5 equal to, या उसको भी equal to minus 5 में लिख लें, this is number 3. जब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. तो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, इसमें काम करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 जाए, और ये इक्वेशन को एज इट इज यूज कीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना है तो 2y कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड सो y इक्वल टू, x का मान 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आए. तो देयरफॉर लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट एट a 2, 0, इस पॉइंट को हमने मार्क कर, ठीक है. अब सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट, यहां -2 है, यहां 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x माइनस 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 3 6 जा 18, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 6y इक्वल टू 2 5 जा 10, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा. 7x इज इक्वल टू 28, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 4, एंड सो ये इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में x का मान 4 रख दें, यहाँ 4 रख दिया तो 4 प्लस 5 9, 9 बाई 3 3 3. तो देयरफॉर लाइन 2 and 3 इंटरसेक्ट एट बी 4, 3, ये दूसरे पॉइंट का को हमने मार्क कर लिया, क्योंकि इन्हीं वर्टिसेस से तो हमको ग्राफ बनाना है. अभी इस बात पे फोकस करें, सॉल्विंग 1st and 3rd का, सॉल्विंग 1 and 3 वी गेट, व्हाट वी गेट, यहाँ पर 3y है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6x प्लस 3y, 3 4 जा 12, और ये इक्वेशन एज इट इज यूज होगी, -5 ऐड करने पर 7x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 1 आई, एंड सो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आई. तो देयरफॉर लाइन 3 and 1 इंटरसेक्ट एट सी 1, 2. ये हमने तीसरा पॉइंट भी निकाल लिया. अब हम ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. पहला पॉइंट क्या था, 2, 0, 2, 0 विल बी हियर, ए 2, 0. दूसरा पॉइंट 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, बी 4, 3. तीसरा 1, 2, तो 1, 2 विल बी हियर, सी 1, 3. इसको मिला लीजिए, इसको भी मिला लीजिए. ए बी सी ट्राइंगल आपका बन गया. ये वाली वर्टिकल लाइन के ऊपर फोकस करना है, ये होगी x इज इक्वल टू 1, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये होगी x इज इक्वल टू 2, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो x इज इक्वल टू 4. अब इसमें 2, 0, 4, 3 ये हमको मिल गया. अब देखिए
A is the point of intersection of line 1 and line 2. तो line 1 और 2 ये दोनों है ना, और C is the point of intersection of 1 and 3. तो इसका मतलब ये 1 होगी, ये वाली 2 होगी और ये वाली 3. तो सेकेंड और थर्ड इंटरसेक्टेड. तो 1 में y की वैल्यू क्या मिल रही है, y is equal to 4 minus 2x. 2 में y की वैल्यू क्या मिलेगी, y is equal to 3x minus 6 by 2. और 3 में y की वैल्यू क्या मिलेगी, x plus 5 divided by 3. ये तीनों x plus 5, 4 minus 2x और 3 by 2. अब ये पूरा बन गया, तब हमको ये सोचना है कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा. तो एरिया ट्राइंगल एबीसी विल बी व्हाट, लेट अस प्लान. देखो एक बार में कोई एक लाइन के अंदर का एरिया हमको देखना है. तो जैसे ये एसी के अंदर का एरिया में हमको ये वाला पोर्शन मिलता है, ओके. और ए बी के अंदर में ये वाला पोर्शन मिलेगा. बी सी के अंदर में पूरा ये जितना एरिया है यहां से लेके यहां तक, यानी ट्रेपेजियम जो बन रहा है उसका एरिया मिलेगा, और उसमें ट्रायंगल का एरिया छुपा है. तो एरिया अंदर बी सी में से ये बाकी के आजू बाजू के दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर बीसी माइनस एरिया अंडर एसी माइनस एरिया अंडर एबी, ये हमको करना पड़ेगा. तो बीसी के अंदर में एरिया क्या होगा, तो बीसी देखें एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक है, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल 1 टू 4. और BC में y की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 3 x प्लस 5 dx माइनस AC के अंदर में जो एरिया आएगा वो 1 से लेके 2 तक होगा, और वहाँ y की वैल्यू है 4 माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रल AB के अंदर का एरिया जो होगा वो 2 से लेके 4 तक होगा, और वो है हाफ 3x माइनस 6 dx. अब हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए बच्चों जहां हम पिछले सवाल में थे. ये सिंपल कैलकुलेशंस जो है वो आपको यहां पर करनी है. ये कैलकुलेशन करने के साथ ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. तो ये 1 बाई 3 बाहर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एक्स, कैलकुलेट 1 टू 4, यहां से 4 का 4x माइनस 2 का 2x स्क्वायर बाई 2, मतलब x स्क्वायर 1 से 2, 1 बाई 2 बाहर कर ले, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, और ये 2 से लेके 4. इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने में वैल्यूज क्या आएंगी, लेट अस सी. 1 बाई 3, पहले 4 रखेंगे तो 16 बाई 2 मतलब 8 एंड 5 4 जा 20, फिर माइनस साइन के साथ 1 रखेंगे तो हाफ प्लस 5, ये पहला पार्ट इवेलुएट हो गया. माइनस यहाँ पहले 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, फिर माइनस 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, ये दूसरा पार्ट इवेलुएट हो गया. माइनस 1 बाई 2, पहले 4 रखेंगे तो 16 बाई 2 यानी 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 फर्स्ट पार्ट, फिर माइनस 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, 3 2 जा 6 माइनस 6 2 जा 12, ये थर्ड पार्ट. This will be 1 by 3, 20 plus 8, 28,
माइनस फाइव टू जा टेन एन वन इलेवन बाई टू माइनस एट माइनस फोर 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 माइनस वन थ्री फोर माइनस थ्री इज वन तो माइनस वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू इंटू कितना होगा जीरो और ये सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस इंटू वन प्लस सिक्स और वन बाई टू सामने है तो यहाँ आएगा माइनस टू तो ये हो गया ट्वेंटी एट टू जा फिफ्टी सिक्स माइनस इलेवन फोर्टी फाइव बाई टू वन बाई थ्री इंटू फोर्टी फाइव बाई टू माइनस फोर थ्री वन जा थ्री फाइव जा फिफ्टीन बाई टू माइनस फोर यानी सेवन बाई टू यानी अगेन 3.5 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस विल बी द आंसर। ये सभी सिंगल कर्व वाले प्रॉब्लम्स थे बच्चों। डबल कर्व के अंदर वाला एरिया इस साल के सिलेबस से डिलीट किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो वो आपको नहीं करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सेकेंड एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम सिंगल कर्व वाला है तो वो कर सकते हैं, डबल कर्व वाले बिल्कुल नहीं करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी जो सिंगल कर्व वाले यानी सिंगल कर्व विथ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स इक्वल टू समथिंग एंड एक्स एक्सिस आर वाई एक्सिस वट एवर इज गिवन, कर्व एक ही होना चाहिए, चाहे लाइन हो चाहे सर्किल हो चाहे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो। सिंगल सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस आपको करना है एंड फिनिश दिस एक्सरसाइज टुडे इटसेल्फ अप टू सैटरडे यू विल बी एबल टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी हम लोग इस चैप्टर को आज यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सब निरंतर अभ्यासरत होंगे। विद्यालय में आप 21 सितंबर से सुबह 8 से 9 बजे एक घंटे के लिए, मतलब रिपोर्टिंग टाइम 7:45 होगा, लिविंग टाइम 9:15 हो सकता है, बीच में एक घंटे आपकी डाउट सेशन हो या काउंसलिंग हो या आपको किसी टॉपिक चैप्टर को समझना हो वाली कार्यवाही की जा सकती है। तो उसके लिए टाइम टेबल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया है और एक पेरेंट्स के लिए सहमति पत्र है, वो फिजिकल फॉर्म में सिग्नेचर करके भेजना है और गूगल फॉर्म भी भरना है। तो गूगल फॉर्म से डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि कितने बच्चे या कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मार्गदर्शन के लिए विद्यालय भेजना चाहते हैं। रिस्क बेटा हर किसी को स्वयं की बियर करना पड़ेगा। एज ए टीचर हम इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि स्कूल आने से आपको कोविड 19 होगा या नहीं होगा। आप कैसे आएंगे, ऑटो से आएंगे, टैक्सी से आएंगे, स्कूटी मोटरसाइकिल पे डबल ट्रिपल सीट बैठ के आएंगे, सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कितनी सजग हैं, सजग रहिए, सजगता के साथ पूरी सुरक्षा के साथ अगर आप विद्यालय आते हैं तो वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर विल बी देयर एंड वी विल मेक यू एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स वेयर एवर यू आर फीलिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड डे।